हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, फिर से मैं आप लोगों के सामने कक्षा 11वीं का विषय जीव विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो बाहर से परीक्षा होने वाली है आप लोगों की, अधिकांश तब आप लोगों का प्रश्न बैंक से ही बनता है। ठीक, तो इसमें आप लोगों के सामने प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न के मैं संपूर्ण सॉल्यूशन उत्तर सहित आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ये वीडियो। तो सब प्रथम अभी हाल में आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जो आपका ब्लू पेंट रहेगा इस प्रकार के आधार से रहेगा। ठीक, तो अभी हाल की जानकारी के लिए मैं बताता हूँ आप लोग सामने, पूर्णांक रहेगा तो वो आपका 70 नंबर का रहेगा। ठीक, कितने नंबर का? 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, और समय रहेगा आपके पास 3 घंटे। तो 3 घंटे में आप लोगों को पूरा जीव विज्ञान का पेपर करना है कक्षा 11 वालों को। ठीक, तो चलिए हम लोग इसके आंसर भी देख लेते हैं। ठीक, तो साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ पाठ अध्याय कम किए गए थे, लेकिन आप लोगों को पता हुआ अध्याय 3 से यहाँ पर कुछ बेस्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इनको भी देख लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अध्याय 3 से दिया गया है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने सही विकल्प दिए गए हैं, फिर यहाँ पर सही जोड़ी है, यहाँ पर एक बात के आंसर में। तो हम इनके आंसर देखते हैं, साथ ही साथ इनको हम पढ़ते चलते हैं, तो आप लोग इसको पूरा कम्प्लीट देखिएगा। ठीक, तो जिस प्रकार से आप लोग सामने पहला यहाँ पर लिखा है कि हरे शैवालों में, दो यहाँ पर लिखा, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ, हरे शैवालों में संचित भोजन होता है, तो इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से आप लोगों के सामने सर्वप्रथम पहला हो जाएगा स्टार्च, यानी आ नंबर सही हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा यहाँ पर लिखा है पादप जगत का, यानी पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानकारी के लिए सभी को पता है जिसे, किसको? ब्रायोफाइटा को। ठीक, यानी आ नंबर सही हो जाए, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक, तीसरे की बात करते हैं, तीसरे लिखा यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक संश्लेषण कब होता है? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, तो शैवालों द्वारा होता है। ठीक, चौथा यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किसमें, दो किसमें जम्पा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो किसमें अलैंगिक जनन होता है? तो आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ पर होता है लिवर ब्लड, यानी आपका हो जाए आ नंबर सही हो जाए। तो इस प्रकार से हमने 4 ऑप्शन बताए, 4 में से आप लोग डेफिनेटली एक ना एक फंस जाएगा, तो आप लोग उनको पढ़ लेना बहुत ही सहल है। अगर रिक्त स्थानों की बात करें तो आप लोग सामने, तो आप लोग सामने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्त स्थान दिए गए हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे रिक्त स्थान हैं। अभी हम भरते हैं तो पहले में आ जाएगा आप लोगों के सामने, पहले में भर लेना आपको लाल शैवाल, क्योंकि यहाँ पर लिखा है फ्लोरेडियम स्टार संचित भोजन के रूप में लाल शैवालों में पाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में लिखा है सबसे ऊँचा जिम्नोस्पर्म है, तो सबसे ऊँचा जिम्नोस्पर्म है कौन सा आपका? तो ये हो जाएगा आपका सीकोआ। ठीक, कौन सा हो जाएगा? सीकोआ। ठीक, इस प्रकार से लिखना आपको। ठीक, सीकोआ हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरे में लगा सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म हो जाएगा आपका कौन सा? यूकेलिप्टस। क्या? यूकेलिप्टस। ठीक, चौथे की बात करते हैं, चौथे में लगा सबसे छोटा एंजियोस्पर्म हो जाएगा, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा आपका क्या? बोलिम्फिया। क्या? बोलिम्फिया। और पाँचवीं की बात करते हैं, तो पाँचवीं को सभी को पता है अपत बीजों का बूढ़ कोशा कैसा होता है? तो आप लोग सभी को पता है त्रिगुणित होता है, नहीं त्रिगुणित हो जाएगा इसमें। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने रिक्त स्थान भी बता दिए। अब मैं बात करता हूँ आप लोग सामने सही जोड़ी की बात, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं, जिस प्रकार से आप लोग सामने मैं जल्दी जल्दी भर के सिखा देता हूँ। तो पहले की हो जाएगी आपकी शैवाल से, तो यहाँ पर शैवाल की हो जाएगी, और दूसरे की हो जाएगी आपकी यहाँ पर, दूसरे की हो जाएगी जिम्नोस्पर्म से। ठीक, तो यहाँ पर दूसरे की हो जाएगी जिम्नोस्पर्म से। तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे की हो जाएगी आपकी ट्राइटोफाइटिया से। ठीक, ट्राइटोफाइट से। ठीक, चौथे की बात करते हैं, चौथे की हो जाएगी आपकी यहाँ पर मौसे, किस मौसे? पाँचवें की आप लोगों को हो जाएगी एंजियोस्पर्म से। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं आप यहाँ पर एक वाक्यांश की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक वाक्यांश है प्रश्न है, जो आप लोग सामने यहाँ पर लगा, एक समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? तो एक समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? तो आप लोगों की जानकारी बता देता हूँ, यहाँ पर लाल शैवाल पाए जाते हैं। ठीक, तो पहले में हो जाएगा आपका लाल शैवाल। दूसरे में लगा एक परिपक्व भ्रूणकोश कितने कोशिकीय का होता है? तो कितने कोशिकीय का होता है? तो दूसरे में हो जाएगा आपका क्या? 7 कोशिकीय का। ठीक, तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में लगा शैवालों में पाए जाने वाले बाढ़ का नाम लिखिए, तो शैवालों में पाए जाने बाढ़ का नाम हो जाएगा आपका क्या? हाँ, इसमें हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। ठीक, और यहाँ पर पाँचवें में लिखा है विषम, तो यहाँ पहले विषम बाजूरता किस पौधे में पाई जाती है? तो विषम बाजूरता किस पौधे में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगी क्या, यानी यहाँ पर, हाँ मैं बात कर रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा विषम बाजूरता किस पौधे में, पाँचवें की बात कर रहा हूँ, तो पाँचवें का हो जाएगा आपका, यहाँ पर पाँचवें की बात करते हैं, पाँचवें हो जाएगा सिलिजनेला। ठीक, और यहाँ पर मैं दूसरा बता दिया था, मैंने दूसरी में कौन सा बताया था मैंने? 7 कोश की। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में हो जाएगा शैवालों में पाए जाने वाले बड़ा का नाम लिखिए, तो इसमें हो जाएगा ट्राइडोफाइट, ओ सॉरी ट्राइडोफाइट क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल।
और क्लोरोफिल ए और बी आ जाएगी, ठीक। तीसरी में चौथी की बात करते हैं, चौथी में आ जाएगी आपके सामने तो यहाँ पर आ जाए दो सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका सिली जनेला और दूसरा हो जाएगा आपका इक्वी सिस्टम, ठीक। और पाँच में तो आप लोग बता ही दिया मैंने सिली जनेला, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने बता दिया। अब अति लघुत्ती देखते हैं तो हम लोग अति लघुत्ती आप लोग सामने इस प्रकार से दिए गए और जो आप लोग आंसर मैं आप लोग थोड़ी देर में बताने वाला हूँ और लघुत्ती आप लोग सामने इस प्रकार से दिए हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग सामने इसके पूरा संपूर्ण आंसर बता दिए हैं। साथ ही में आप लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आप लोग सामने आप अध्यक्ष चाय दिया गया है, ठीक। अगर अध्यक्ष चाय की आप बात करते हैं हम अध्यक्ष चाय में आंसर की बात तो आप लोग सामने आप देख सकते हो जैसे अध्यक्ष चाय के बाद पहले मैंने कहा आपका निम्नलिखित में से किस संघ में ओष्ठीयता ओस्कुलम नामक क्षेत्र पाए जाते हैं, तो इसमें आपका पहला हो जाएगा आपका क्या, इसमें हो जाएगा, मैं आंसर आंसर बता देता हूँ, ठीक। तो इसमें हो जाएगा आपका पेरी पूरी फेरा और दूसरे में बात करते दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इन जो इसमें जिया। तीसरे की बात करते तीसरे में आंसर हो जाएगा आपका सिलेंट्रेटा। चौथे में हो जाएगा आपका क्या, चौथी की बात करते चौथे में हो जाएगा नेफ्रेंडिया, ठीक नेफ्रेंडिया। और पाँच में आप लोग सभी को पता है पाँच में का सर है सिलेंट्रेटा, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आप लोगों के जी हो जाएंगे। अब रिक्त स्थान की बात करते तो रिक्त स्थान भी आप लोग जल्दी जल्दी भर दीजिए, मैं आप बताता जाऊँ आप लोग भर सकते हो या आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो लिख सकते हो, ठीक। कॉपी पेन जो पहले में हो जाएगा आपका क्या गिल्स, क्योंकि मछली आश्वासन किसके द्वारा देती है तो गिल्स के द्वारा देती है, आप लोग गलफड़े भी लिख सकते हो। और दूसरे में हो जाएगा आपका ट्यूब फेड, ठीक। तीसरे में लिखना आपको कूट गुहा, चौथे में लिखना आप लोगों को दुई पार्ट्स, पाँच में लिखना आप लोगों को इकाई नो डेटा, ठीक इकाई नो डेटा। इस प्रकार से आप लोगों के सामने पाँचों के यहाँ मैंने रिक्त स्थान भी बता दिए। अब सही जोड़ी यहाँ पर भी दी गई हैं तो इन सभी के आंसर मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूँ। इस प्रकार से आप लोग इसको देखते जाइए पूरा, ठीक, क्योंकि मैं आप लोग पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा इस प्रकार से, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर ही ले लीजिए मुझसे, ठीक। तो आप लोग आंसर किस प्रकार से लेना है चलिए मैं बता देता हूँ। तो सर्वप्रथम आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से देखते जाइए, ठीक, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को दिखाता रहा हूँ, ठीक। इस प्रकार से अध्याय पाँच के जी हैं आप लोग, इनके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये प्रश्न है, ठीक। जब लोग आप लोग प्रश्न नहीं देखोगे तो फिर आंसर आप लोग कैसे पता चलेगा, जैसे मैं आंसर बता दूँ आपको तो फिर आंसर आप लोग पता ही नहीं चलेगा किसका आंसर कैसा है। तो आप लोग पहले प्रश्न देखते जाइए फिर मैं इनके आंसर भी दिखाने वाला हूँ पार्ट बाई पार्ट, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग इनके प्रश्न देखते जाइए पहले, ठीक। अध्याय छः के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार से आप लोगों को कुछ करना धीरे धीरे करके मैं दिखाता हूँ। अध्याय सात है, आप लोग टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग उनको देखते जाना है और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से दी गई है। जैसे आप लोग यहाँ पर एक तो यही हो गया है क्वेश्चन, उपाधि व अष्टी में कोई दो अंतर लिखिए, संयोजित ऊतक को परिभाषित कीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग नहीं सभी को पढ़ना है। कोशिका आठ है, अध्याय अध्याय आठ में कोशिका, जिस प्रकार से कोशिका से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर की खोज की थी, तो काफ़ी सैल है इनके भी आंसर में आप लोग लास्ट में बताने वाला। तो इस प्रकार से आप लोग अध्याय दस है, इस प्रकार से आप लोग पहले इन प्रश्नों को देखते जाइएगा, ठीक। अध्याय तेरह देखते जाइएगा, ठीक। अब मैं चलिए मैं आप लोग अध्याय चौदह हो जाएगा आप लोग सामने, अध्याय चौदह, अध्याय पंद्रह हो जाएगा, ठीक। अध्याय पंद्रह के बाद अध्याय सत्रह हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इनको आप लोग देख सकते, अध्याय अठारह हो जाएगा, क्योंकि मुझे को तो भाई ये पूरा बताना है आप लोगों को, चाहे कोई भी आप लोगों को आधा अधूरा नहीं बताता मैं, बहुत से लोग आप लोग आधा अधूरा बता देंगे, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा, क्योंकि आप लोग अच्छे नंबर से पास होना है, ठीक। तो इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक। उन्नीस हो जाएगा अध्याय उन्नीस, अध्याय बीस, ठीक। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो वीडियो को, लोग कभी इन प्रश्नों को देख सकते हो आप लोग। अध्याय इक्कीस हो जाएगा आप लोग सामने, ठीक। इस प्रकार से अध्याय इक्कीस देख लीजिए कितने सैल क्वेश्चन है, कितने अच्छे क्वेश्चन है। इस प्रकार से बीस भी हो जाएगा। अब आप लोगों की जानकारी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कुछ, तो आप लोग इस प्रकार से इनको भी देख लीजिए। हार्मोन्स किसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीच ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी क्यों कहते हैं, कहाँ जाता है और क्यों जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ तक। तो चलिए अब मैं आप लोगों के सामने आंसर की बात करते हैं, ठीक। तो आंसर आप लोग किस प्रकार से मिलेगा, ठीक। जो जो वीडियो यहाँ तक देखा है, अब आप लोग कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को आंसर देने वाला हूँ। सर्वप्रथम आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मनीष ने सब्सक्राइब कर लिया, अमन ने भी कर लिया, मनीषा ने भी कर लिया, और नीलम ने भी कर लिया, पूजा ने भी कर लिया, आरती ने कर लिया, लेकिन भैया आप रह गए थे, आप भी कर लीजिए। हाँ, जैसे आपने भी कर लिया लेकिन आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने जीव विज्ञान का बता दिया, ठीक, अब आप लोग को अच्छा लगा और सर हम इसके आप लोग आंसर भी बता रहा हूँ, ठीक, थोड़ी देर में। तो इस प्रकार से लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, जैसे जितने लोगों ने देखा है सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब करने से फायदा होगा। जैसे आप लोग सामने तो फिजिक्स बहुत ही कठिन होती है, आप लोग भी जानते हो, तो फिजिक्स हुई आपकी
और केमिस्ट्री जी दो विषय बहुत ही कठिन होते हैं, इसी में बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इनके भी मैं आप लोगों को आंसर है बाकायद मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ आप लोग ये कहोगे सर ये पेपर में कोई ऐसा लग रहा है जैसे यहीं से बना हो पेपर। तो भैया आप लोग जान के बता दूँ प्रश्न आपके प्रश्न ही बैंक से बनते हैं, आप लोग बताना नहीं किसी को, ठीक प्रश्न बैंक से ही आप लोग अधिकांशतः पेपर बनता आ दो तीसरा हिस्सा आप लोगों का प्रश्न बैंक से बनता है, बाकी बाहर से बन जाए किताब से ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पास होना तो आप लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू। अब चलिए इसी खुशी में आप लोगों के सामने में यहाँ पर आंसर बता दूँ, तो देख सकते हो आप लोग ये उत्तर माला दी गई है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं अध्याय तीन अध्याय चार के आंसर है, ठीक। जिस प्रकार से अध्याय तीन के तो मैंने बता दिए थे, अध्याय चार के कुल बता दिए थे, अध्याय पाँच के आंसर हैं, अध्याय छः के आंसर हैं, ठीक। बाकायदा लिखा है सही विकल्प रिक्त स्थान, ठीक। थोड़े बड़े आंसर हैं ना जो आपके, वो आप लोग अपनी गाइड से भी देख सकते हो। फिर भी आप लोग कमेंट आएगा कि सर लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर बताइए, तो मैं आप लोग जरूर उनके आंसर लेके आऊँगा अगली वीडियो में। इसलिए तो कहते हैं सब्सक्राइब कर लेना, तभी आप लोग पता चलेगा कि सर ने लॉन्ग आंसर भी डाल दिए। तो इस प्रकार से आप लोग सर अध्याय 13 के भी कुछ आंसर हो जाएंगे, अध्याय 14 के हो जाएंगे, अध्याय 15 के, अध्याय 16 के, 16 तो हट गया था ना, इस 16 के इस बरस नहीं आना है, ठीक। तो अध्याय 17 के हो जाए, अध्याय 18 के, अध्याय 19 के, अध्याय 20 के, अध्याय 21 के, अध्याय 24 के, 21 के बाद 22 के हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग सामने संपूर्ण यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या हो गया आंसर बता दिए। तो आप लोगों के सामने मैं बता दिया, अब मैं नेक्स्ट वीडियो ले आ रहा हूँ केमिस्ट्री का फिजिक्स का, इसलिए आप लोग जल्दी वेट करिए, उसमें भी आप लोग इसी प्रकार से समझाऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।